नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह, आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मैदान में उतर रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे थे और जमुई और नवादा में हुंकार भरी, अब वैसे ही अब सीएम नीतीश पहली दफा मैदान में उतर रहे हैं, लोगों से वोट मांगने की अपील करेंगे। 12 अप्रैल को नवादा की धरती पर सीएम नीतीश कुमार जाएंगे और वहां हुंकार भरेंगे और वोटों की अपील करेंगे। और एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर और उनके सामने जो श्रवण कुशवाहा, जो महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं श्रवण कुशवाहा, दोनों के बीच जो लड़ाई है काफी दिलचस्प होगी, दिलचस्प मुकाबला होगा। वही सीएम नीतीश कुमार हुंकार भरेंगे और लोगों से वोट मांगने की अपील करेंगे, क्योंकि हम आपको बताते हैं पिछली चुनाव में जहां 39 सीटें जीती थी एनडीए और नीतीश कुमार जब उस समय भी साथ थे, और एक बार फिर से 17 महीने के बाद नीतीश कुमार एनडीए के साथ आते हैं, लोकसभा चुनाव में वो पहली दफा वोट मांगने का काम करेंगे। जी हाँ, वो भी मैदान में उतर रहे हैं और पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं और 12 अप्रैल को नवादा की धरती पर हुंकार भरेंगे और लोगों से अपील करेंगे। जहां 39 सीटों पर विजय प्राप्त किए थे, वहीं एक बार फिर से 40 की 40 सीट जीतने को तैयार है। वहीं पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी 40 की 40 सीट जीते, क्योंकि इस बार मोदी जी की गारंटी है। जी हाँ, मोदी की गारंटी 400 पार। जी हाँ, इस बार 400 के पार। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 4400 सीट पर कमर कसा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये डर हो चुका है इस बार लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि उनके बेटे, उनके लाल जो है तेजस्वी यादव 17 महीनों के काम को गिनवा रहे हैं एक तरफ, तो दूसरे तरफ एनडीए कहीं ना कहीं डर चुकी है, क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, जिसके लिए इस बार जो मुद्दा है महागठबंधन की ओर से रोजगार। जी हाँ, इस बार कहा जा रहा है कि रोजगार जिस तरीके से 17 महीनों में दिया गया है और एक बार फिर से सरकार बनेगी, जी हाँ महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो रोजगार की बात होगी। और नीतीश कुमार इसलिए एक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके ही बदौलत पिछली चुनाव में नीतीश कुमार की वजह से बिहार की 39 सीटों पर एनडीए जीत हासिल की थी। वहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार समर्थन में उतर गए। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार का साथ है तो एनडीए का बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि एक सीट जो कि सीमांचल की चूक हो गई थी, एक सीट पर विजय प्राप्त नहीं किया गया था, एक सीट हार गए थे, लेकिन इस बार मोदी हो या शाह सभी ने कमर कस लिया, सभी लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार ऐसा प्रदेश है, बिहार में 4400 सीट और वहीं बिहार भूमिका बन गई और बिहार में 40 सीट जीतना और लालू प्रसाद यादव को हराना, ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को हराना है। वहीं एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी को लाना है, जिसके लिए तमाम जो एनडीए के लोग हैं उन्होंने कमर कस लिया है। और साथ ही कहा जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार एक बार फिर से, और वही मैदान जहां नवादा की धरती पर आए थे, जी हां नवादा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और निशाना साधा था और लोगों से अपील किया था विवेक ठाकुर को उम्मीदवार, जिस तरीके से एनडीए बनाया गया विवेक ठाकुर को ही वोट दीजिए। जी हां, लोगों से कह रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो रोजगार की बात होगी, लेकिन मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले चरण के चुनाव है 19 अप्रैल को, जिसमें जमुई नवादा सभी हैं और वहीं पर नवादा की धरती पर सीएम नीतीश कुमार आ रहे हैं। और देखना होगा 4 जून को जहां नतीजे आएंगे कि क्या कुछ होता है। जहां प्रधानमंत्री गए थे वहीं सीएम नीतीश भी जा रहे हैं, क्या सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री की बातें वहां के लोग को स्वीकार होगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।